नमस्कार दोस्तों, बब्लो डेनिम में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैं मेरे बहुत सारे गमले में रूट बाहर निकल गया है, इसको मैं काटने वाला हूं। और ये रूट क्यों बाहर निकलता है और नहीं काटेगा तो क्या होगा, और काटने के बाद आप कितने दिन तक इसको ड्राई के लिए रख सकते हैं, और कैसे ये डेवलप होगा, ठीक है। तो जैसा आप जान सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 10-15 अभी इधर है, 8-10 प्लांट है, और भी है प्लांट उधर साइड में है जो छोटे छोटे कप में रूटों बाहर निकल गया। तो दोस्तों, अगर हम पॉलीथीन में यानी कि ग्रो बैग में, ब्लैक पॉली बैग में अगर हम करते हैं, तो अगर इसका रूट बाहर निकलता है, सपोज डेट इसका रूट अगर ये नीचे से बाहर निकलता है, तो हम इसको पॉलीथीन को फाड़ के निकाल सकते हैं, वो रूट का कोई इशू नहीं होगा, मतलब रूट ख़राब नहीं होगा या रूट को कट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक पोट में या मिट्टी के पोट में लगाते हैं और वो डेवलप होकर नीचे से रूट बाहर निकलने लगता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या तो गमला तोड़ना पड़ता है। अब ये फाइबर का है, प्लास्टिक का है, तो ये तो टूटेगा प्लस रूट को भी डैमेज करेगा। तो इस तरह से अगर आपका ये प्लांट होता है तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप प्लांट छोटे छोटे प्लांट लगा देते हैं और इसको बढ़िया से केयर करते हैं, ठीक है, मैं भी इसको बढ़िया से केयर किया हूँ, और जब ये डेवलप होने लगता है तो ये तो ऊपर बढ़ता ही बढ़ता है। अगर ऊपर नहीं बढ़ेगा, सपोज जब ऊपर अगर ग्रोथ नहीं करता है तो नीचे भी ग्रोथ करता है जड़ रूट को। ये दो तरह से प्लांट को ग्रोथ होता है। एक होता है हाइट ग्रोथ करना, यानी कि इसका जो ब्रांचेज ग्राफ्टिंग किया हूँ और ये ऊपर की ओर ग्रोथ करे, यानी कि हाइट बढ़ेगा। और दूसरा होता है कि रूट ग्रोथ करना, यानी कि इसका जड़ में ग्रोथ आ जाना, जड़ इसका जो भी छोटे छोटे छिद्र हैं, जैसे देख सकते हैं दोस्तों, छोटे छोटे छिद्र हैं, तो कोई एक दो छिद्र में से रूट बाहर निकलेगा और ये ज़मीन से स्पर्श करके, थोड़ा सा मिट्टी उट्टी छत पर रहता है तो हल्का सा स्पर्श करके ये फिर जमीन उस मिट्टी से एनर्जी लेने लगेगा, ठीक है, ज़मीन से भी एनर्जी लेने लगेगा आपका, जैसे कहीं रखा गया था, जैसे मिट्टी ज़मीन पर है तो उससे भी, तो इसको तो अपने मिट्टी से एनर्जी मिल ही रहा है, प्लस ये ज़मीन के स्पर्श से भी एनर्जी ले रहा है, ठीक है, या गर्मी ले रहा है या ठंडक ले रहा है या जो भी, तो इसके रूट डेवलप होने लगते हैं, यानी कि जहाँ से ये निकला है वहाँ पतला हो जाएगा और फिर बाहर निकलने के बाद फिर ये रूट मोटा हो जाएगा। अगर इसको मिट्टी का स्पर्श मिल गया, एकदम जो गार्डन में अगर स्पर्श मिल गया, तो ये रूट मिट्टी के अंदर भी जाता है, ठीक है, यहाँ तक पतला हो गया, फिर ये जब जैसे डेवलप होगा तो ये मिट्टी के अंदर भी मोटा हो जाएगा, फिर इसको कवारना मुश्किल हो जाएगा, या कवारिएगा मिट्टी से बाहर निकलेगा तो रूट टूट जाएगा। तो वैसा इसीलिए नर्सरीमैन क्या करते हैं, नर्सरीमैन कभी जाके देखिएगा, अडेनियम का नर्सरीमैन में, अडेनियम के गार्डन में जो नर्सरी लोग क्या करते हैं, ज़मीन पर प्लास्टिक बिछा देते हैं, ब्लैक कलर का या वाइट, जो भी कलर का मिले, लेकिन अक्सर ब्लैक ही बिछाते हैं, क्योंकि नीचे से कोई घास वगैरह भी ना जमे और इसका रूट नीचे की ओर ना जाए, ठीक है। तो हम देखें अक्सर, तो मैं थिंकिंग करता कि ये प्लास्टिक क्यों बिछाते हैं लोग, तो बाद में मालूम चला कि ये रूट नीचे ना जाए या रूट बाहर ना आवे, इसके चलते देख सकते हैं दोस्तों कितना मोटा हो गया। अब इसको कैसे हम ठीक करेंगे, पहले हम आपके सामने 5-6 प्लांट है उसका रूट हम काट ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरह से आप बेहिचक, आपको अगर रूट बाहर निकल गया और गमले तोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप उसको रूट काट सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी मैंने काट दिया और इधर से भी काट दिया, तो इस तरह ये आप रूट ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि रूट काट सकते हैं और फिर ये अब आसानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से काट दिए तो आप सेम डे भी बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकालना है तो इसी में छोड़ सकते हैं, फिर इसमें ग्रोथ करेगा, रूट बाहर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ये भी देख सकते हैं, अब ये नहीं तो फिर हमको गमला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन फाइबर का प्लास्टिक का गमला है, उसको तोड़ने में थोड़ा सा समय भी लगेगा और प्लांट भी ख़राब होने का चांस होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप रूट इसको ब्लेड से काट सकते हैं, 6-7 है, 6-7 काट के फिर मैं इसके उसका बताऊँगा क्या करना है। हालांकि दोस्तों ये 1 साल का प्लांट है, ये पिछले साल का प्लांट है, ये ऊपर डेवलप ना होकर नीचे ग्रोथ बनाने लगा और इसका रूट मोटा हो गया। इसका एक ही रूल है, जहाँ ये ग्रोथ बनाएगा वहाँ कुछ दिन तक ग्रोथ बनाएगा, यानी कि अगर रूट बढ़ रहा है तो कुछ दिन तक रूट बढ़ेगा, कुछ महीने तक रूट बढ़ेगा। अगर ये हाइट बढ़ा रहा है तो हाइट भी बढ़ाएगा। तो हाइट तो खैर अभी का सीज़न में नहीं बढ़ता है, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल में हाइट नहीं बढ़ता है, हाइट बढ़ेगा आपका बरसात से पहले, यानी कि 1-2 मंथ रहेगा बारिश का टाइम, तब यानी कि मई जून में उमस जब होती है, थोड़ा सा हीटिंग होती है, पसीना आता है, तो ये हाइट अपना बढ़ाता है। और ये भी है, देखिए दोस्तों कितना बड़ा रूट हो गया दोस्तों, देख सकते हैं,
एकदम मोटा मोटा हार्ड हो गया दोस्तों एकदम, मतलब पतला रेसा नहीं है, मोटा मोटा इसका कोडेक्स हो गया, मतलब ये निकल के फिर यहाँ से डेवलप होने लगा। तो अभी नहीं काटूंगा तो फिर इसको निकालने में भी हमको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको काटना ज़रूरी है। और थोड़ा सा वीडियो लेट से आ रहा है, और भी काम है यार, बहुत भी बिजी चल रहा हूँ। और बहुत लोग हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं कि हम उनका मतलब फ़ोन पिक नहीं करते हैं या जो भी। भाई फ़ोन कीजिएगा तब तो पिक करेंगे, फ़ोन नहीं कीजिएगा हमको और फिर बोलिएगा झूठा कि पिक नहीं करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते। आप फ़ोन कीजिएगा और हम फ़ोन नहीं उठाएं, हो सकता है उस वक्त हम बिजी हों, या आप कॉल किए होंगे हम बिजी होंगे, या हम नहीं होंगे, या साइलेंट होगा, या मोबाइल चार्ज में लगा होगा, हम नहीं ध्यान दिए। दोबारा कॉल कीजिए, तिबारा कॉल कीजिए, 10 बार कॉल कीजिए, हम कॉल उठाएंगे ही उठाएंगे, कॉल उठाना ही मेरा काम, हमारा वही काम ही है। आपको आप कॉल कीजिएगा, हम क्यों नहीं उठाएंगे कॉल। हम प्लांट इतना सप्लाई करते हैं यार, इतना रखे हुए हैं, किसके लिए रखे हुए हैं, अपने लिए थोड़ी रखे हुए हैं। तो ऐसा ना सोचिएगा कि हम कॉल नहीं उठाते हैं, कॉल हम उठाएंगे, सबका कॉल उठाते हैं, जितना संभव हम कॉल उठाते हैं। और स्विच ऑफ हो गया तो सोचिए कि हम सोए हुए हैं स्विच ऑफ में, हम स्विच ऑफ करके सोते हैं मोबाइल को। तो दोस्तों बहुत हार्ड हो गया है और काटने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना हार्ड है कि हाथ मत कट जाए लगता है। बस 2-3 और है, इसके बाद फिर मैं इसको बताऊंगा कि आप कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना मोटा हो गया। तो इस तरह से आप रूट काटें, रूट काटने में कोई दिक्कत है नहीं। और रूट कभी भी काटा जाता है तो स्टार्टिंग गर्मी के टाइम में काट सकते हैं, बरसात में रूट नहीं काटना है, और जाड़ा में रूट नहीं काटना है, गर्मी में रूट काट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा गर्मी में। और हो गया 2 प्लांट और हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो प्लांट होता है बिग साइज का कोडेक्स होता है, इसका रूट बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हम उसको गमले में रिपोर्टिंग में लगाते हैं तो ऊपर ऊपर ज़्यादा जड़ निकल दिखता है, उसको हम कैसे काटें, पहले काट दें बाद में काटें क्या करें, ये भी मैं इसमें बता दूंगा, क्योंकि रूट काटने की बात हो रही है तो सभी का टॉपिक एक ही साथ रहेगा, उसको कैसे कर सकते हैं वो भी चीज़ मैं एक बार दिखा दूंगा, वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप उसको कर सकते हैं, पहले काटें रूट कि बाद में काटें रूट। दोस्तों हो गया फाइनली, बहुत सारा रूट मैं काट दिया, तो हो गया ये रूट काटने की बात, ठीक है। अब इसको 1-2 प्लांट को हम चेक करेंगे, निकालेंगे क्या कंडीशन है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा रूट कटा यहाँ पर, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं प्लांट में। एक ये 1 साल से इसी प्लांट इसी छोटे कप में है, यानी कि ये मात्र 2 इंच का कप है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे एडेनियम के लिए, नॉर्मली एडेनियम के लिए आप 6 इंच का कप ले सकते हैं, 6 इंच का, यानी कि ये हाइट 6 इंच है और चौड़ाई भी 6 इंच है, ठीक है। इसमें आपका 3-4 साल तक चलेगा, 5 साल भी चल सकता है, 3-4 साल तक आपके इसमें रह सकता है, इसके बाद डेवलप होगा तो थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मैं उल्टा बैठ गया हूँ, मुझे उधर उस साइड बैठना चाहिए था, इधर दोस्तों देख सकते हैं अब क्या होगा इसमें। देखिए दोस्तों काटते वक्त ये भी ध्यान देना है कि ग्राफ्टिंग के नीचे से जो भी फुटाव रहा है, अभी सीजन चल रहा है फुटाव का, तो आप अपना प्लांट को चेक कीजिएगा, या 1 मंथ बाद भी हो सकता है, मतलब ऐसा जब ऑटोमेटिक एडेनियम में बूस्टिंग आता है, मतलब कि इसके अनुकूल ऑटोमेटिक मौसम आ जाता है, यानी कि मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, या फरवरी लास्ट, अभी तो फरवरी स्टार्टिंग चल रहा है, तो जगह जगह से फुटाव आने लगते हैं, कोडेक्स से फुटाव आएगा, ग्राफ्टिंग से फुटाव आएगा, साइड आजू बाजू बहुत सा फुटाव आने लगते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि इसका जो भी ग्राफ्टिंग के नीचे से फुटाव आ रहा है, जो भी लाल लाल आई दिख रहे हैं, पनप रहे हैं, उसको आपको ब्लेड से हटा देना है, नहीं तो वो सब एनर्जी लेने लगेंगे, मतलब कि उसमें ज़्यादा ग्रोथ आने लगेगा और ग्राफ्टिंग में ग्रोथ नहीं आएगा, ग्राफ्टिंग लेट से चलेगा और वो
धीमे चलेगा, मतलब कि ग्राफ्टिंग लेट से चलेगा और ये स्पीडली चलेगा, कहने का मतलब। तो जो भी नया फुटाव आएंगे ग्राफ्टिंग के नीचे से, उसको आपको कोडेक्स के लिए फुटाव आएंगे उसको आपको ब्लेड से हटा देना है। हम इसको एक दिन के लिए रखेंगे, एक दो दिन के लिए रखेंगे, ज़्यादा नहीं, मौसम तो गर्म है, दो तीन दिन में मेरा कोडेक्स ये ड्राई हो जाएगा। फिर इसको हम अपने 6 इंच के गमले में लगा देंगे या पॉलीथीन में लगा देंगे, ब्लैक कलर का जो पॉलीथीन है उसमें लगा देंगे। वो भी पॉलीथीन भी 5 इंच 6 इंच का है, 5x5 है, 5 इंच गहरा 5 इंच लंबा। हो गया दोस्तों, इसको बोलते हैं रूट कटिंग, रूट काट सकते हैं इसे, ठीक है। अब रूट काट के अब तुरंत नहीं लगा देना है आपको, दो दिन तीन दिन तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन में आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।